आकाश जी स्टार्ट हो जाओ, बता दो। मैं जो यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आया संजीव के कहने पे, क्योंकि संजीव से मैं लास्ट 2-3 साल से टच में हूँ और संजीव का बहुत बिलीव है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनिक चीज़ों में, और इसके कहने पे ही मैंने कई सारी चीज़ें स्टार्ट की जो कि मेरे लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हुई। जैसे कि इसके कहने के बाद में जब दिल्ली में पुराना ये स्टार्ट हुआ फॉग का, सॉरी फॉग कह रहा हूँ मैं, ये क्या बोलते हैं स्मोक, जो भी दिल्ली में पॉल्यूशन का स्टार्ट हुआ, उसके बाद में संजीव के कहने पे मैंने पहली बार गुड़ स्टार्ट किया। और मैं आज मतलब लोग बोलते हैं कि गुड़ आप सर्दियों में खाओ, मैं 12 महीने गुड़ खा रहा हूँ। गुड़ ऑर्गेनिक मिल जाए तो फिर तो समझो। और वो जो गुड़ लिया था वो मैंने संजीव से ही लिया था, अब तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि गुड़ मुझे ऑथेंटिकेट गुड़ जहाँ से भी मिले मैं उसको सबसे पहले लेता हूँ। उसके बाद ही कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने संजीव के कहने पर स्टार्ट की। बेसिकली मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और अपना पूरा करियर केमिस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में ही गुजारा है। स्टार्ट किया था हाई पॉलीमर लैब से, पॉलीमर केमिकल्स बनाते थे, उसके बाद डावर में भी आया, देन आफ्टर जुबिलेंट, लास्ट असाइनमेंट जुबिलेंट था, उसके बाद अभी भी जो कर रहा हूँ वो केमिकल ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ। लेकिन अपार्ट ऑफ दिस केमिकल वर्ल्ड आई एम वेरी मच फैन ऑफ दिस ऑर्गेनिक थिंग्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। सो उसके बाद में फिर हमें पता चला कि गुप्ता जी हैं हमारे, ये मतलब जहाँ से नेटिव प्लेस है झांसी वहीं से हैं, और इन्होंने बड़ा अच्छा मतलब एक बहुत अच्छा एक कह सकते हैं लिलीपुट वर्क एज अ अमेजिंग वे, एक छोटा सा सेटअप है और उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप है, मतलब गुप्ता जी की कंपनी है जो कि वहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, बुंदेलखंड वैसे भी बोलते हैं पिछले कई सालों से सूखाग्रस्त एरिया है, फसलें होती नहीं थी, किसानों के पास उतने रिसोर्सेस थे नहीं और एजुकेशन के मामले में नील थे, इसलिए जो गरीबी है वो मतलब बहुत बहुत ही मतलब गहरी बसी हुई है। तो वहाँ जाके गुप्ता जी ने वहाँ की जो अनयूटिलाइज्ड जो लैंड थी उसको फर्टाइल किया, उसको ऑर्गेनिक तरीके से वहाँ से खेती कराई और वहाँ के जो किसान हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट देते हुए इस जर्नी को आगे बढ़ाया। ये सबसे अमेजिंग बात है क्योंकि वहाँ का होने के नाते ये फ़र्ज मेरा भी कहीं बनता है, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया क्योंकि उतना बड़ा विज़न नहीं था, अपनी रोजी रोटी अपनी कमाई के चक्कर में आगे बढ़ता चला गया। लेकिन हाँ, अब गुप्ता जी से मिलने के बाद में कुछ आगे करने का है और बिल्कुल करेंगे आगे। मैं संजीव को बताता हूँ कि संजीव इस फील्ड में ज़्यादा टाइम से एक्टिव हैं और कौन सी चीज़ क्या फ़ायदा करती है, ये संजीव गलत। मेरी कहानी कुछ थोड़ा अलग है अकाश जी से, इसलिए मुझे आदत है अच्छी चीज़ें ढूंढने की, मैं ढूंढता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या है ना आपका दिल किसी को गवाही नहीं देता। इत्तेफाक से मैं एक स्टोर पर गुड़गांव में सामान परचेजिंग कर रहा था, वहाँ पर छोटा सा ऑर्गेनिक वेलनेस का बोर्ड लगा हुआ था, पहले तो मैं उसका लोगो देखने के बाद थोड़ा अट्रैक्टिव हुआ और मैंने जाकर प्रोडक्ट के बारे में पूछा। फर्स्ट टाइम में किसी को बिलीव नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन जब देखते हैं ना कि उस जो उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी उसका मोटिव क्या है, उसका तरीका क्या है, उससे पता लगता है कि वो आदमी कुछ ना कुछ ठीक अच्छा कर रहा होगा, दूसरा अलग कर रहा होगा। मैंने रेट देखे मार्केट में ऑर्गेनिक के लाभ ना, लोगों ने लूट मचा रखी, लेकिन ऑर्गेनिक वेलनेस मुझे एक ऐसा मतलब वो प्लेटफॉर्म लगा, ऐसी एक वो लगी संस्था की जो ऑर्गेनिक तो है ही, ऑथेंटिक ऑर्गेनिक, साथ में रेट भी बहुत रीजनेबल है, क्वालिटी तो मतलब अमेजिंग है। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जब उनका प्रोडक्ट दाल यूज़ करी तो मुझे लगा कि वास्तव में कभी 20 साल पहले जो देसी दाल होती थी हमारे गाँव में वो, और मेरी वाइफ तो मतलब इतनी फैन हो गई कि अब कोई दाल घर में ले जाऊँ तो वो एक्सेप्ट नहीं कर दिया, मतलब वो सारे प्रोडक्ट उसको चाहिए, मतलब ऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक वेलनेस के चाहिए। मैं ऑर्गेनिक बहुत साल से यूज़ करता रहा हूँ, लेकिन शायद ही मेरी आखिरी कंपनी है, उसके अलावा कंपनी को चेंज नहीं कर रहा हूँ ऑर्गेनिक के बारे में। और यहाँ तक आना एक है ना, एक बड़ी अजीब सी कहानी है ना, मैं मेरठ से शॉपिंग करने गुड़गांव पहुँचा और 10 सेकेंड के अंदर ही मैं इनसे मुलाकात हुई, जा चुका था दुकान से मैं मतलब सामान लेकर, लेकिन पता नहीं क्यों वापस आया, फिर प्रोडक्ट खरीदे यूज़ करे, तो मेरे मन में एक इच्छा हुई यार मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसने ये सब कुछ मार्केट में जो लेकर आया, इसको जो तैयार कर रहा है मतलब, और आज हम उनके ऑफिस में बैठे हुए यहाँ पे, और अभी मैंने कम से कम 4,000 रुपये की शॉपिंग भी करी है, सब घर के यूज़ के लिए करी है। मैं चाहता हूँ कि जो भी आदमी अगर कोई इस प्रोडक्ट को एक बार यूज़ कर लेगा तो इतना जरूर है कि वो आगे इसको दूसरों को बताएगा, मतलब क्वालिटी अच्छी है, दमदार है, सब कुछ बढ़िया है, रेट भी बहुत सही है, मतलब इतने कम रेट, मैं उनसे कहता हूँ कि आप रेट सस्ते रखे हुए, रियल में सस्ते रखे हुए, लोगों ने मतलब ऑर्गेनिक के नाम पर सच में बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट मिल रहे हैं लेकिन वो क्वालिटी नहीं है जो ऑर्गेनिक वेलनेस में है। और मैं तो गुप्ता जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, बल्कि उनके उनकी हिम्मत की दाद देना चाहूँगा कि मतलब एक ऐसा विजन लेके वो चल रहे हैं जो अमेजिंग है, मतलब इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता, मतलब हिंदुस्तान के अंदर लोगों का भला
जो जुड़ेगा उनका भला, किसान का भला, जो प्रोसेस कर रहे हैं उनका भला, जो इसको यूज कर रहे हैं उसका भी भला। कहते हैं ना खाना ही दवा है, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लीजिए। और मैं ऑर्गेनिक वेलनेस को ही प्रेफर करूंगा क्योंकि टेस्टेड चीज है, मतलब ऑथेंटिक है, टेस्टेड है, और मतलब आपका मन अंदर से गवाही देगा कि यार मैंने कुछ अच्छा खाया है। मतलब बस इतना कहना चाहूंगा और बाकी सब बहुत अच्छा है। मतलब थैंक यू सो मच आकाश जी और संजीव जी। जी जी। और सबसे बड़ी बात है कि हम भी आप जैसे ही पार्टनर्स की तलाश में हैं, और एट द राइट टाइम राइट लोग अपने आप ऑटोमेटिकली भगवान हमारे पास भेज देते हैं। बिल्कुल मिल जाते हैं। आज आप मिले हैं और आपके एरिया है, मेरे को तो झांसी पता भी नहीं था कहाँ है, और बाबे गांव तो बिल्कुल सपने में भी कभी नहीं आया था, लेकिन ईश्वर की कृपा है, आप जैसे दोस्त हैं अब आप मिल गए हैं। अब आप और हमारा मिलकर विजन एक ही हो जाता है, और जरूर जब हम मिल जाते हैं तो हमारा जो पंचलाइन है टुगेदर लेट्स हील द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू वंस अगेन। थैंक यू।